ये 300 लैपटॉप खरीदने का प्रपोजल आया कि ऑनलाइन एग्जाम यूनिवर्सिटी में कराएंगे। करीब 150 पेज का, इसमें पेज नंबर 11 से लेके 158 तक इसी के संलग्नक हैं, लेकिन इस जांच समिति को इस निर्णय पे नहीं पहुंच पाई है कि इसमें पिन पॉइंटेड किसका फॉल्ट है, किसके दोष है। दूसरा ऑप्शन ये है कि यूनिवर्सिटी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाए, तो डिसिप्लिनरी कमेटी किसी संकाय सदस्य के नाम से बनाती है। इसमें अभी जो कंक्लूजन पे पहुंचा है उसमें किसी को पिन पॉइंटेड नहीं किया गया है, तो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली देयर आर सो मेनी पर्संस। 300 लैपटॉप क्रय में जो FIR मेरे विरुद्ध कराई गई वो पूर्णतया मानहानि और छवि धूमिल करने के उद्देश्य से कराई गई है। समस्त कार्य उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किए गए और इस प्रकरण का अनुमोदन विश्वविद्यालय के हर सक्षम स्तर तथा उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स। आज के लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक कथा ग्रंथ लिखा गया, नाम था बेताल पच्चीसी। इसमें एक बेताल होता है जो राजा विक्रमादित्य के पीठ पर बैठ जाता है, उसे एक कहानी सुनाता है और फिर कहानी के आधार पर न्याय करने के लिए उससे एक प्रश्न पूछता है। तो हम भी आपको एक पूरी रिपोर्ट सुनाएंगे, ऑडियो वीडियो और लिखित बयान दिखाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि दोष क्या है और दोषी कौन है। तो शुरू करते हैं। मामला शुरू होता है 13 अगस्त 2014 से। इस दिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU के IT कमेटी की बैठक होती है। इसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर रविकांत समेत 13 लोग मौजूद थे। मीटिंग क्यों हुई? क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि MCI ने KGMU में डिजिटलीकरण की स्थिति पर असंतोष प्रकट किया था और MBBS की सीटें भी कम कर दी थी। इन्हीं समस्याओं के निस्तारण के लिए मीटिंग रखी गई और इसी में एक बिंदु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने के लिए 300 लैपटॉप खरीदने पर सहमति बनी और एक सरकारी फर्म से 300 लैपटॉप खरीद भी लिया गया। ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी की जाने लगी, लेकिन इस बीच अप्रैल 2017 में तत्कालीन वाइस चांसलर रविकांत का कार्यकाल समाप्त हो गया। नए VC आए, उन्होंने लैपटॉपों को विभिन्न विभागों में प्रयोग हेतु वितरित कर दिया और 300 लैपटॉप की खरीद फरोख्त में नियमों को ताक पर रखने व अनियमितता बरतने का आरोप लगा। आरोप क्या थे और किस प्रकार के थे और किसके ऊपर थे, ये पूर्व कुलपति ML ब्रह्मभट्ट से ही सुन लीजिए। लेकिन बयान ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो अंतिम में जवाब नहीं दे पाएंगे आप। सर, इसका ब्रीफली बता दें, वैसे तो बताना चाहिए प्रोफेसर सिद्धार्थ दास को, प्रोफेसर SD पांडे सर को, ये लोग कमेटी के मेंबर्स रहे हैं, लेकिन मैं ब्रीफली बता दूं। सर, इसमें ये 300 लैपटॉप खरीदने का प्रपोजल आया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में कराएंगे। MCI हमारा MBBS MS MD का एग्ज़ाम ऑनलाइन कराने के लिए अनुमति नहीं देता है। उसके कंट्रोवेंशन में जब इसके लिए प्रपोजल भेजा गया फाइनेंस ऑफिसर को, तो फाइनेंस ऑफिसर ने कहा कि इसके लिए बजटरी प्रोविज़न नहीं है, बजट में मांग लिया जाए, सरकार से मिलने के बाद 300 लैपटॉप खरीदे जाएंगे। उसको ओवरलुक करके, कटिंग करके, हाथ से काट करके उसको लिख दिया गया कि फाइनेंस ऑफिसर से नहीं, इसको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के फंड से खरीदा जाएगा। तो COE के फंड से खरीदने के लिए निर्णय कर लिया गया। COE के फंड का सिग्नेटरी फाइनेंस ऑफिसर भी होता है, उसने कहा हम इसके लिए नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट से न परमिशन है और परचेज करने के लिए 50 लाख से कम की परचेज लखनऊ KGMU में परचेज कमेटी से अप्रूव होती है, उसका चेयरमैन वाइस चांसलर है, और 50 लाख से ज़्यादा की परचेज होती तो हाई लेवल परचेज कमेटी करती है, उसका उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन आर द मेंबर्स ऑफ दैट कमेटी। तो इन दोनों कमेटीज़ में ये नहीं गया और इसको खरीद लिया गया। जब खरीद लिया तो भुगतान अब कहाँ से, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के यहाँ से नहीं हो पाया, तो उसमें फिर उस भुगतान के लिए लिख दिया गया कि इसको 2014 में CPMT KGMU ने कराया था, तो CPMT का जो सेविंग थी वो अनऑडिटेबल थी, एग्ज़ाम का पैसा था, क्योंकि ऑडिट नहीं होना था उसका CPMT की गोपनीयता के कारण, तो उससे इसका भुगतान करा दिया गया। तो तमाम तरह की इरेगुलरिटीज़ और आने के बाद से इसका किसी तरीके के एग्ज़ाम में प्रयोग या लैपटॉप पे एग्ज़ाम कराना संभव ही नहीं था और ना MCI परमिट करती थी।
तो इसमें लगातार जांच चलती रही। इसमें शुरू में प्रोफेसर गुरमीत सिंह साहब मेंबर थे इसकी जांच समिति के एज द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनके टाइम पे नहीं कंक्लूड हुई। तो उसके बाद फिर इसमें प्रोफेसर सिद्धार्थ दास सर भी मेंबर रहे, अच्छा इंक्वायरी में नहीं थे, और कौन था दूसरा जो छोड़ दिया, भट्टाचार्य को दो तीन थ्रेटनिंग लेटर उन्होंने और एक लीगल नोटिस दी कि तुम्हें हम इसमें जेल करवा देंगे, बंद करा दें। तो उन्होंने मारे भयग्रस्त ये पत्र लिख के दिखा, इसमें रिकॉर्ड में है कि ही थ्रेटेंड मी एंड आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू एज द मेंबर ऑफ द इंक्वायरी कमेटी बिकॉज दिस इज डिस्टर्बिंग माई पीस ऑफ माइंड। तो वो विदड्रॉ कर गए। फिर ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ही डिसाइड किया रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो प्रोफेसर एस डी पांडे सर उसके मेंबर हैं, और प्रो वाइस चांसलर ऑफ AKTU यूनिवर्सिटी डॉक्टर कंसल हु इज ए IT पर्सन, ही इज़ द मेंबर, एंड कन्वीनर इज डॉक्टर संतोष ऑर्थोपेडिक रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले। तो इन लोगों ने सारी इरेगुलरिटीज तो रिकॉर्ड पे ले लिया है, और करीब 150 पेज का इसमें पेज नंबर 11 से लेके 158 तक इसी के संलग्नक हैं। लेकिन इस जांच समिति को इस निर्णय पे नहीं पहुंच पाई है कि इसमें पिन पॉइंटेड किसका फॉल्ट है, किसके दोष है, क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में सीधे FIR होता है, इवन डायरेक्टली FIR एट दिस स्टेज कैन बी डन फॉर द फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है या वो है, पुलिस अपना उससे इन्वेस्टिगेट कराएगी टू फाइंड आउट कि हु आर टू बी फॉल्टेड, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि यूनिवर्सिटी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाए, तो डिसिप्लिनरी कमेटी किसी संकाय सदस्य के नाम से बनाती है, इसमें अभी जो कंक्लूजन पे पहुंचा है उसमें किसी को पिन पॉइंटेड नहीं किया गया है। तो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली देर आर सो मेनी पर्संस, तो पर्सन हुज नेम वॉज अटर्ड बाई ऑनरेबल रजिस्ट्रार साहब वॉज द एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ही डिड ऑल द परचेजिंग, हिज वॉज हिज प्रपोजल टू परचेज इंस्टॉल एंड पेमेंट, उसके लिए जहाँ जहाँ भी कार्ड के ऑर्डर पे वो सब पेपर इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें तमाम पे कटिंग करके वो बदले गए हैं, उसको किस पेज पे हो फ्लैप लगा हुआ था, एक हमने एनी अदर एजेंडा में कुछ वो लगाए थे फ्लैग, वो कहाँ चला गया है, एनी अदर एजेंडा वाला एक फ्लैग्स हमने कुछ लगाए थे नीचे में कुछ लगा। हाँ, अब जैसे पेज नंबर 61 पे अगर आप चले जाएं, लिखा गया है धनराशि का व्यय जो कटिंग करके है कि व्यय बजट प्लान से किया जाना प्रस्तावित है, ये इनिशियल प्रस्ताव है, और उसको बजट को काट करके किसी ने एग्जामिनेशन लिख दिया है और ही इज द सिग्नेटरी आल्सो डाउन बिलो, जिसके लिए इस करेक्शन के लिए जो को सिग्नेटरी हैं डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य, ही डिड नॉट एग्री दैट इट वॉज करेक्टेड इन माई नॉलेज, तो ये मेरे नॉलेज में नहीं हुआ था। इसी तरीके से भुगतान वाला भी जो प्रावधान बदला गया वो सब भी ऐसे ही सब बदले गए हैं, और सबसे बड़ी जो क्रय प्रक्रिया विश्वविद्यालय की है उसका वायलेशन हुआ है, 50 लाख से कम का परचेज कमेटी, 50 लाख से ज़्यादा परचेज कमेटी प्लस हाई लेवल परचेज कमेटी, तो दीज आर द थिंग्स विच हैज बीन वायलेटेड। तो ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ओपिनियन चाहिए, FIR सर, ठीक सर, थैंक यू सर, FIR प्रपोज्ड है, ठीक, थैंक यू। मुख्य रूप से आरोप क्या था, नियमों को ताक पर रखना, कटिंग व ओवरराइटिंग यानी क्रय प्रक्रिया का वॉयलेशन किसके ऊपर था, किसी को पिन पॉइंट नहीं किया गया, मतलब किसी व्यक्ति विशेष को दोषी करार नहीं दिया जा सका, कार्यवाही क्या सुनिश्चित हुई, प्रकरण पर FIR दर्ज कराना क्योंकि दूसरा विकल्प अर्थात डिसिप्लिनरी कमेटी तभी बैठाई जा सकती थी जब व्यक्ति विशेष दोषी हो, यहाँ व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं हो पाई लेकिन कार्यवाही उसके उलट हुई, FIR नामजद की गई डॉक्टर वाखलू के नाम जो कि कमेटी
शक्ति में सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत थे और इनका कार्य मुख्य रूप से पत्राचार तक ही सीमित था। तो अब आरोप सुन लिया और आरोप पर क्या कार्यवाही प्रारंभ की गई ये भी देख लिया। अब ये भी देख लीजिए कि इस पूरे प्रकरण पर तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर रविकांत ने अपने लिखित बयान में क्या स्पष्टीकरण दिया। मसलन, जब मैं कुलपति बना तो डिजिटलीकरण की भारी कमी थी और इस कारण MCI ने MBBS की सीटें भी घटा दी थी। इन सभी आपत्तियों को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर कंप्यूटरीकरण डिजिटलीकरण कराया गया, जिसके तहत डिजिटल OPD, IPD, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी व जांच का डिजिटलाइजेशन, जांच शुल्क, दवा वितरण तथा नामांकन ऑनलाइन करने समेत अनेक कार्यों का डिजिटलीकरण किया गया। ये सब बदलाव कितने बड़े पैमाने पर हुए, वो कितने सराहनीय तरीके से किया गया, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि KGMU में इन बदलावों के कारण KGMU को स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड मिला। भारत सरकार द्वारा प्रोफेसर रविकांत जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार द्वारा यश भारती सम्मान मिला तथा MCI द्वारा डॉक्टर BC राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और KGMU और UGC से NAAC का ग्रेड A मिला और इसमें उन्होंने डॉक्टर आशीष वाखलू के कार्यों की प्रशंसा भी की है। नियमों को ताक पर रखने के आरोप पर उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि नोटशीट N3 पर जब वित्त अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया कि उपरोक्त व्यय एग्जामिनेशन फंड से किया जा सकता है, तब मेरे द्वारा अप्रूवल दिया गया। पेज 14 पर लिखते हैं कि जब परीक्षा नियंत्रक द्वारा दिनांक 13/2/2016 को उक्त भुगतान तात्कालिक तौर पर CPMT निधि 2014 से करने हेतु लिखा गया और पत्रावली मेरे समक्ष अप्रूवल हेतु प्रस्तावित की गई थी, क्योंकि पत्रावली पर एग्जामिनेशन फंड में वित्त अधिकारी द्वारा सहमति दी गई थी और परीक्षा नियंत्रक द्वारा भुगतान की बात CPMT फंड से किन परिस्थितियों में कहा, इसकी जानकारी के लिए मेरे द्वारा पत्रावली को 2 मार्च 2018 COE के लिए लिखा गया। COE द्वारा मुझे बताया गया कि CPMT निधि भी विश्वविद्यालय की आय है एवं परीक्षा नियंत्रक ही इसके कस्टोडियन है तथा इसमें पर्याप्त धन है, हम इस धन से लैपटॉप खरीद सकते हैं। तब मेरे द्वारा उक्त स्थिति में CPMT 14 से भुगतान की सहमति दी गई। CPMT फंड के क्रम में कोई पत्राचार वित्त समिति से नहीं किया जाता है, इसका जिम्मेदार परीक्षा नियंत्रक है। उन्होंने आरोप पर ये लिखित बयान भी दिया है कि MCI DCI ने ये अपनी रूलिंग में कहीं नहीं लिखा है कि विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा नहीं करा सकता, बल्कि चैप्टर 4 में बाकायदा लिखा गया है कि MCQ प्रकार के प्रश्नों को OMR से कराएं या ऑनलाइन, ये जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है। खरीदारी के उपरांत किसी ने भी 2017 तक इस पर कोई आपत्ति लिखकर नहीं भेजी। अब इस पूरे मामले में कार्य परिषद के निर्णयों को ताक पर रखकर जिस व्यक्ति के ऊपर नामजद FIR किया गया उनका बयान भी सुन लीजिए। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 300 लैपटॉप खरीदकर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रस्ताव सबसे पहली बार परीक्षा समिति की बैठक में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर AK सिंह द्वारा रखा गया था। इसके क्रम में लैपटॉप्स का क्रय IT कमेटी के निर्णय, कुलपति और वित्त अधिकारी के अनुमोदन के बाद सरकारी नोडल एजेंसी से ऑनलाइन परीक्षा के लिए किया गया। विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी ने निर्देश दिया था कि इस प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग का भी अनुमोदन ले लिया जाए। इस कारण से कुलपति एवं कुलसचिव द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को अन्य उपकरणों के साथ 300 लैपटॉप क्रय करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया कि लैपटॉप का क्रय आंतरिक कार्यालय मद से किया जा सकता है। लैपटॉप का भुगतान डॉक्टर AK सिंह परीक्षा नियंत्रक और अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर गिरीश चंद्रा ने चेक के द्वारा किया गया। मेरे द्वारा इस पूरे प्रकरण में किसी प्रकार का वित्तीय और प्रशासनिक कार्य नहीं किया गया, ना ही किसी प्रकार का अनुमोदन दिया गया। समस्त कार्य उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किए गए और इस प्रकरण का अनुमोदन विश्वविद्यालय के हर सक्षम स्तर तथा उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी किया गया। 300 लैपटॉप KGMU में मौजूद हैं तथा ऑनलाइन परीक्षा के लिए सभी प्रकार के संसाधन जुटा लिए गए थे तथा
ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का विश्वविद्यालय के 5 वरिष्ठ प्रोफेसरों द्वारा परीक्षण भी कर लिया गया था और उसे संतोषजनक बताया गया था। यदि कायदे की बात की जाए तो वर्ष 2017 में जब डॉक्टर मदनलाल ब्रह्म भट्ट कुलपति बने तो उन्हें इस ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए था और ऑनलाइन परीक्षा करा लेनी चाहिए थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार से मना नहीं करता, अपितु उसने स्नातक एवं परास्नातक परीक्षाओं में एक एक पर्चा बहुविकल्पीय प्रश्न होने को अनिवार्य कहा है और ऑनलाइन परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे आधुनिक माध्यम माना जाता है तथा देश एवं विदेश के हर प्रतिष्ठित संस्थान में ऑनलाइन परीक्षा का प्रबंध किया जाता है। इसके दृष्टिगत ऑनलाइन परीक्षा के लिए खरीदे गए लैपटॉप्स को डॉक्टर भट्ट ने विश्वविद्यालय में बंटवा कर परीक्षा समिति के धन की भी हानि करी और विश्वविद्यालय को भी अभूतपूर्व क्षति पहुंचाई, क्योंकि उसके पश्चात पिछले 5 वर्षों में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है, उसमें आज तक ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को विकसित नहीं किया जा सका। 300 लैपटॉप क्रय में जो FIR मेरे विरुद्ध कराई गई वो पूर्णतया मानहानि और छवि धूमिल करने के उद्देश्य से कराई गई है। इनके बयान सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे जब बैठक में पूर्व कुलपति कह रहे हैं कि अनियमितता के संबंध में कोई पिन पॉइंट नहीं किया गया है और प्रकरण पर FIR की जानी चाहिए, तो फिर FIR नामजद क्यों हुई? नामजद FIR होने के पश्चात नियमानुसार क्या कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाई गई? यदि मान लिया जाए कि अनियमितता हुई है तो इतने उच्चाधिकारियों के रहते हुए मात्र एक सदस्य सचिव दोषी कैसे हो सकता है? तो आइए अंत में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट भी देख लीजिए। पहली विवेचना उप निरीक्षक श्री रामापति सिंह द्वारा की गई और इसमें उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के ऊपर नामजद FIR किया गया, डॉक्टर बाखलू, उनके विरुद्ध किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं पाए गए। इसके पश्चात इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई गई और पुलिस द्वारा दूसरी बार फाइनल रिपोर्ट लगाई गई, इसे भी देख लीजिए। मसलन ऑनलाइन एग्जाम कराने हेतु 300 लैपटॉपों को खरीदने का अनुमोदन MCI की आपत्तियों को दूर करते हुए डिजिटलीकरण व पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किया गया था, जो कि लिखित रूप में IT कमेटी की बैठक में 12वें नंबर पर रखा गया था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि लैपटॉप खरीदने का कोई औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। 300 लैपटॉप का क्रय बजट प्लान में हटाकर एग्जामिनेशन फंड में करने का अनुमोदन वित्त अधिकारी श्री मुकुल अग्रवाल द्वारा किया गया था। अतः कुल मिलाकर शासन, लेखाधिकारी, वित्त अधिकारी, कार्य परिषद, वित्त समिति तथा पदेन अध्यक्ष कुलपति के अनुमोदन के पश्चात खरीदे गए। जांच समिति ने खरीद फरोख्त में जिस शासनादेश का उल्लंघन बताया है वो 2008 का है, जो 2015 में जारी हुए शासनादेश के पश्चात लोपित हो जाता है। अतः लैपटॉप की खरीद के लिए 2008 के शासनादेश के अनुपालन की आवश्यकता ही नहीं थी और पूरा क्रय 2015 के शासनादेश पर हुआ है, इसकी पुष्टि वित्त अधिकारी ने भी की है। जांच समिति के द्वारा भी डॉक्टर वाकलू या किसी भी अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं पाया गया। जांच समिति का ये कथन कि जांच के दौरान क्रय से संबंधित समस्त मूल पत्रावलियां नहीं उपलब्ध कराई गयी, जबकि कुल सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखित साक्ष्य के पेज संख्या 5 पर परीक्षा नियंत्रक एवं कार्यालय प्रभारी परीक्षा नियंत्रक निशा देवी द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने समस्त मूल प्रतियां जांच समिति के सदस्य डॉक्टर संतोष कुमार को उपलब्ध करा दी थी। जांच समिति द्वारा पूरी खरीद फरोख्त में नियमों की अनदेखी के अलावा किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया गया है, न ही अभियुक्त डॉक्टर बाखलू को जांच आख्या में दोषी बनाया गया है। इसके अलावा चीफ प्रॉक्टर के RS कुशवाहा के द्वारा कार्य परिषद की बैठक के जिस एनी अदर एजेंडा के आधार पर पंजीकृत करने डॉक्टर वाकलू पर नामजद FIR का अनुरोध किया गया था, उसकी गहनता से जांच करने पर मैंने पाया कि उपरोक्त पत्र में FIR दर्ज करने की बात तो कही गई थी, लेकिन उसमें डॉक्टर वाकलू या किसी व्यक्ति को नामजद करने की बात नहीं कही गई थी। जांच समिति द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अभिलेखों में कटिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर,
न होना तथा समान पत्र पर भिन्न टिप्पणियों जैसे आरोप नहीं लगाए गए हैं, न ही उपलब्ध अभिलेखित साक्ष्य में किसी प्रकार की कटिंग पाई गई है और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन विवेचना के दौरान ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने में सफल रहा है। अतः अब तक की विवेचना उपलब्ध पत्रावली के अवलोकन बयान गवाह से पाया गया कि लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया पूर्णतया निष्पक्ष व पारदर्शी थी। डॉक्टर आशीष वाकलू द्वारा उक्त खरीद में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई। खरीदे गए सभी लैपटॉप विश्वविद्यालय में मौजूद पाए गए। सरकारी संपत्ति का दुर्विनियोग करना नहीं पाया गया। KGMU प्रशासन से बार बार संबंधित अभिलेखों के जरिए 91 CRPC नोटिस मांग की गई, परंतु दौरान विवेचना विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया गया। अभियुक्त डॉक्टर वाकलू के विरुद्ध धारा 409 420 का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। तो दोस्तों, आपको शुरुआत में बेताल 25 की बात बताई थी, अब आप ही निर्णय लीजिए कि दोष क्या है, दोषी कौन है। प्रकरण के बजाय व्यक्ति विशेष पर नामजद FIR क्यों किया गया। जांच में पुलिस का सहयोग क्यों नहीं किया गया। जांच समिति द्वारा इतने वर्षों में अभियुक्त की जांच करके उसका दोष निर्दोष सिद्ध क्यों नहीं किया गया और मामले को इतना लटकाकर किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है। अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।